वेलकम टू पढ़े क्लासेस। सो फाइनली VLDA एग्जाम जिन भी बच्चों ने दिया था तो वो वेट कर रहे थे कि उनकी जो काउंसलिंग कब होगी, सीट अलॉटमेंट कब आएगा। तो ऑब्वियसली जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, सो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर VLDD प्रोग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिन जिन बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है, उन बच्चों के यहाँ पे नेम मेंशन है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनका नेम है, फादर नेम है, एंड जो है उनके मार्क्स ऑब्टेंड एंट्रेंस, मतलब टोटली इन बच्चों को जो है सीट अलॉटेड कंफर्म है। तो आप अपने रोल नंबर, अपने नेम, फादर नेम से आप कंफर्म कर सकते हो कि आप ही हो ये कैंडिडेट। कैटेगरी भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में किन किन बच्चों को सीट अलॉट हुई है। सेम प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम एंड आपके मार्क्स ऑब्टेंड एंड आपकी कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ से मतलब जो भी बच्चे हैं एक बार चेकआउट कर लीजिए, आपका नेम है, आपका रोल नंबर है, तो इसका मतलब आपको सीट अलॉट हुई है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ एडिशनल सीट्स, जो मतलब एडिशनल सीट्स थी उनमें कौन कौन से बच्चे जो है एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो नेम मेंशन है, सेम प्रोसेस है, ठीक है, फादर नेम है एंड आपके जो मार्क्स ऑब्टेंड है और रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद अगर मतलब जितने भी ऊपर है वो कंफर्म वाले, जो ऊपर हमने देखे वो नेम, उन बच्चों को कंफर्म सीट अलॉट हो जाएगी। अगर उसमें से कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, ठीक है, किसी भी रीजन से अगर वो सीट स्किप कर रहे हैं, तो उसी टाइम उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद जो एलिजिबल बच्चे रहेंगे वो आप देख सकते हो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट, उन स्टूडेंट्स का नेम है। अगर ऊपर वाले मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर कोई सीट अपनी जो है वैकेंट छोड़ देता है, तो उन इन बच्चों को जो है उसमें एलिजिबल माना जाएगा। तो आप यहाँ पे नेम देख सकते हो जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। ठीक है, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम एंड फादर नेम है। तो इन बच्चों को तो रिपोर्टिंग के लिए ओबियसली 1 अक्टूबर को विजिट करना ही है। साथ में जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं इनको भी सेम डे में ही विजिट करना है, बिकॉज जैसे ही एडमिशन, अगर बच्चा वहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा उस दिन काउंसलिंग के लिए, तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और जो भी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपने नेम वगैरह कंफर्म कर लेना। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन है एक बार आप यहाँ पे ये प्रॉपर रीड आउट कर लो तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड देयर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। जो आपका स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल है वहाँ से आप अपना जो है ये लेटर डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड देयर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन, जो आपके जो है लॉगिन पोर्टल है वहां से, एंड ब्रिंग वन हार्ड कॉपी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। जैसे आप रिपोर्टिंग काउंसलिंग के लिए जो आपकी रिपोर्टिंग डेट आप विजिट करोगे तो आपको इसकी एक हार्ड कॉपी लेके जाने। ओके, सेकंड आप देख सकते हो द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट चेकिंग एंड द अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज कब, 1 अक्टूबर 2022। यानी कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे जिनके नेम मेंशन, जिनको सीट अलॉट हुई है, उनको 1 अक्टूबर को विजिट करना है। टाइम आप देख सकते हो 9:30 AM। ठीक है, कहाँ पे विजिट करना है, जो वेटनरी ऑडिटोरियम है लुआस का, वहाँ पे आपको विजिट करना है। आपके जो है सीट अलॉटमेंट लेटर के साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज है एडमिशन की, उसके लिए जैसे वेबसाइट पे ये लेक्चर है वहाँ से आप रीड आउट करके अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाने हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटीज के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो शेल हैव टू पे फीस एंड अदर चार्जेस देर एंड देन, अदरवाइज दिस सीट विल बी डिक्लेयर्ड वैकेंट। यानी कि अगर एट ए टाइम काउंसलिंग के टाइम अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या आपकी फीस कंप्लीट नहीं है, तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वो जो आपकी सीट है वो वैकेंट होकर वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो द कैंडिडेट इन वेटिंग लिस्ट शेल ऑल्सो हैव टू रिपोर्ट ऑन, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट उन्हीं को भी सेम डे 1 अक्टूबर को ही जो है रिपोर्टिंग के लिए जाना है। सेम टाइम है 9:30। जिनके कंफर्म है उनको तो विजिट करना ही है, वेटिंग वालों को भी उसी टाइम उसी दिन विजिट करना है, यानी कि 1 अक्टूबर को 9:30 सेम प्लेस पे। ओके, क्योंकि अगर वहाँ से कोई जो है सीट वैकेंट रहती है वो सेम उनको आपको जो है मिल जाएगी। ओके, द कैंडिडेट इन वेटिंग लिस्ट शैल ऑल्सो हैव टू रिपोर्ट ऑन 1 अक्टूबर 9:30 AM इन द वेटनरी ऑडिटोरियम ऑफ लुवास। ठीक है, इफ एनी सीट रिमेन्स वैकेंट दैट सेल बी फील्ड अप फ्रॉम द कैंडिडेट इन वेटिंग लिस्ट। यानी कि ऊपर वालों में से अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको सीट दे दी जाएगी। ठीक है, तो वेटिंग वाले बच्चों को भी अपने सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह साथ में लेके जानी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपकी जो रिसेंटली फोटोग्राफ है टू, वो लेके जाने आपको। एंड टू सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट आपको लेके जाने, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप देख सकते हो जो ये 3.12 चैप्टर 3 के जो भी रूल रेगुलेशन है
को एक बार आप रीड आउट कर लेना जो भी बच्चे हो, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। उसके बाद आप देख सकते रिपोर्टिंग टाइम, अगर आप रिपोर्टिंग टाइम में किसी भी चीज़ में, फीस में या डॉक्यूमेंट्स में फेल हो जाते हो, फेलिंग हो जाते हो, तो जो है जो आपका एडमिशन वो रिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कन्फर्म है। उसके बाद आप देख सकते हो द कैंडिडेट हैव टू डिपॉजिट द फीस इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि आपको DD ही बनवाना है पेमेंट के लिए, जो आपकी पेमेंट रहेगी फीस के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉयज गर्ल्स एंड जो है दिल्ली कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी मैंशन है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट चेकिंग फीस सबमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर और एनी अदर चेंज, ठीक है, यानी कि काफ़ी चीज़ें तो इसमें भी है, आप यहाँ से रीड आउट कर लेना। बाकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके जो भी उनके नेक्चर है, रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके आपकी फीस वगैरह प्रॉपर जो है आप काउंसलिंग के लिए 1 अक्टूबर को जो है 9:30 AM पर वेटिंग लिस्ट वाले और कन्फर्म वाले सभी बच्चे जो है काउंसलिंग के लिए लुआस ऑडिटोरियम में आप विजिट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।